नमस्कार, मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भारत में। कहते हैं अगर किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने में पूरी कायनात आपकी मदद करती है, और ऐसा ही कुछ किया है एक छोटे से बच्चे ने। हालांकि इस बच्चे ने अपनी मदद खुद की है। इस बच्चे के बारे में बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा आजकल के बच्चों के बारे में क्यों ना बताएं। इस ज्ञान के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे हम आपसे, लेकिन बताना बेहद जरूरी है। आजकल के बच्चों को तमाम तरह की फैसिलिटी दे दो, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसे करना तो दूर, उल्टा उसमें लाख नुक्स निकाल कर आपको ही उसमें गलत साबित कर देते हैं। लेकिन ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जिसने बेकार और वेस्ट तीने से कूलर बना दिया, जिसके सामने आपके महंगे महंगे एसी फेल हैं। मदन कुमार पिता छोटे लाल महतो बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इनके पिता झारखंड राज्य के बाहर लेबर का काम करते हैं और अपने घर परिवार को खींच रहे हैं। जी हाँ, मिथुन सरकारी मध्य विद्यालय 10वीं का छात्र है। उनकी जो उम्र है वो महज 15 वर्ष की है, लेकिन इसको कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। मिथुन वेस्ट सामान को जो भी कबाड़े कूड़ेदान में लोग फेंक देते हैं, वेस्ट सामान से ये कुछ ना कुछ बना देते हैं। कबाड़ी वाले से मांग मांग कर पुराना वेस्ट सामान जो बन सकता है उसे अपने दिमाग से इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, कूलर, लाइट, CFL को बनाने का जज्बा है। मिथुन ने टीना को काट कर कूलर को बनाया है, छोटा सा इन्वर्टर बनाया है, आप देख सकते हैं। कबाड़ी वालों से मांग मांग कर पुराना वेस्ट सामान जो नहीं बन सकता वो अपने दिमाग से इन्वर्टर, कूलर, लाइट, CFL को बनाने का जज्बा है। मिथुन ने टीना को काट कर कूलर बनाया है, छोटा सा इन्वर्टर भी बनाया है, आप देख सकते हैं। रामगढ़ झारखंड से अनुज कुमार की रिपोर्ट। और ये आइडिया खुद मिथुन का है। देख देख के मोबाइल से कुछ और दिमाग लगा। अनुज कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। ये तुम क्या क्या अभी तक? ये मिनी कूलर है और वो वाला मिनी इन्वर्टर और वो होम थिएटर है। नाम नागेंद्र कुमार है, ये मेरा भाई है मिथुन कुमार। ये अपने से इन्वर्टर अभी बनाया है, कुछ बनाते मतलब ये जो अनयूजफुल जो सामान रहता है ये सबको लाता है अपने से, कुछ दिमाग लगाता है, उसके बाद उसे मतलब जो मतलब यूजफुल सामान रहता है उस सबको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कुछ कुछ बनाते रहता है। उसको दिमाग खुल गया तो मतलब थोड़ा कूलर वूलर, ये क्या बोलते हैं, छोटा मिनी इन्वर्टर, होम थिएटर, मोबाइल वोबाइल बनाता है। और अगर इसको कुछ अगर सहायता मिले सरकार द्वारा तो ये आगे तक जा सकता है। अगर सरकार इस तरह के बच्चों पर ध्यान देगी तो रामगढ़ जिला, झारखंड और अपने देश का नाम रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका जरूर दें। साथ साथ हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे की कला हर घर तक पहुंचे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ कॉमेंट पे इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजय भारत।